खुजा मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हूँ आज के समय के लिए जिसने आज के दिन को परमेश्वर हमें दिखाया, उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से हम हर रोज की तरह जैसे परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, आज भी हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका रति सुसमाचार 18 उसका 18 का 15 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देख कर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत डांटो। यहाँ पर जो है बालकों के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मनाना करो। यीशु मसीह जो है ऐसा क्यों कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पर क्यों जो है अपने पास जो है बच्चों को बुलाता है। जब उनके माता पिता जो है बच्चों को लेकर यीशु मसीह के पास ला रहे थे ताकि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे, राहे, उन्हें प्यार करे, तो यहाँ पर जो है चेले जो है वहाँ पर उनसे कहने लगे कि उन्हें देख कर क्या किया, डांटा कि गुरु के पास जो है तुम बच्चे को क्यों ले जा रहे हो ऐसा बोल के। तो वहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने चेले से कहता है कि बच्चों को बुलाकर वहाँ पर कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्यों यीशु मसीह जो है बालकों के बारे में कहता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है क्योंकि बच्चे के जीवन में जो है यदि हम देखते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है, एक प्यार होता है, प्यार एक प्रेम का स्वभाव होता है, एक मेल मिलाप का स्वभाव होता है, एक धीरज का भी स्वभाव होता है। जब हम देखते हैं जब कोई भी या हम भी जब कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चे पर जो है हाथ उठा देता है या फिर उसके दोस्त यार भी जो है उसको कभी जो है जब खेलते रहते हैं आपस में या उसको झगड़ा लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाते हैं आपस में, तो वहाँ पर क्या होता है, क्या बच्चे जो है उनसे बात करना छोड़ देते हैं, क्या बच्चे उनके साथ स्कूल जाना बंद कर देते हैं, क्या बच्चे उनके साथ एक साथ बैठ के खाना बंद कर देते हैं क्योंकि तूने मुझे मारा, तूने मुझे क्या किया, चिढ़ाया, अब मैं तुझसे नफरत करता हूँ, गुस्सा है, प्यार नहीं है, ऐसा वाला स्वभाव वो लोग नहीं रखते। बस झगड़ा हुए एक मिनट में, मारपीट हुए एक मिनट में और उसके बाद दूसरे तीसरे मिनट में क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करने लगते हैं, प्रेम से रहने लगते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसलिए यीशु मसीह जो है यहाँ पर बच्चों को लेकर यहाँ पर उदाहरण देते हुए यहाँ पर कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसो ही का है। अब मैं बताना चाहता हूँ हम लोग के लिए, ठीक है। तो यीशु मसीह बताना चाहता था कि बालकों का स्वभाव जो है प्रेम का स्वभाव होता है, भुलाने वाला, भूल जाते हैं वो लोग कि मेरे साथ इसके साथ मारपीट हुआ था, मैं या फिर मेरे मम्मी ने मुझको मारा, मेरे पापा ने मुझे मारा, मुझे इसके साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। और हम यदि हम बड़ों के लिए देखें तो वहाँ पर क्या होता है, यदि हमारे साथ किसी का झगड़ा हो जाए, यदि हमारे साथ किसी का मारपीट हो जाए, यदि भाई भाई में ही देख लो, बहन बहन में ही देख लो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम उसको पकड़ के रखे रहते हैं कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे मेरे साथ ये किया, इसने मेरे लिए क्या किया, गलत, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, और हम उसको पकड़ के क्या करते हैं, रखे रहते हैं, और उस बात को हम रखे रहते हैं और याद कर करके क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि इसने मुझे मारा है, गांठ बांध के उसको पकड़ के रखे रहते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि इसने इसके साथ मैंने क्या किया, इसको मैंने मारा या ये मुझे मारी या मुझे मारा, और सब कुछ भूल जाते हैं और प्यार से एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, खेलते हैं और प्रेम से रहते हैं। इसलिए जो है यीशु मसीह कहता है कि जो कोई भी अपने आप को बालक के समान करेगा वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। मेरे प्यो, हमारे जीवन में ऐसी बातों को जो भी हम गांठ बांध के रखे हुए हैं, जो भी हम पकड़ के बैठे हैं, उन सारी बातों को भूलना है, हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, क्षमा करना है और प्रेम से रहना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ही तब तुम क्या करोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, ठीक है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे सबको।